लेकिन हम रोज यही गाना गाते रहे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत, और गाना गाने लगी वो सारी चिड़िया, और वही वाला गाना गाते गाते उसी दाने के लालच में 5 किलो अनाज 500 रुपया वही दाना डाल दिया गया चुनाव आने के पहले। भाइयों और बहनों, हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। तुम अपने अब्बा के घर से लेके आए थे अनाज? प्रधानमंत्री इस देश का जो है उसको पता है, उसने टेस्ट कर लिया है कि इस देश में अभी मूर्खता कितनी स्तर तक है। तो पहले तो बोला ना, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, याद है? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और उसने दोनों हाथों से, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, पहले रेल बेच दिया, फिर भेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सेल बेच दिया, आपकी सरकारी जमीन बेच दी, सरकारी स्कूल बेच दिया, सरकारी विश्वविद्यालय बेच दिया, और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाने की बात की थी, हवाई जहाज बेच दिया, और वो आदमी नीचे देखा तो उसका हवाई चप्पल भी बेच दिया, और फिर भी उसके भक्त पूछते हैं कहां कुछ बेच रहा है। अरे भाई, वो पहले ही कह दिया था, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल जाए, आपके बच्चों का क्या होगा भाई। पिछले 5 साल लगभग 4,500 IAS IPS बने DMSP, और उसमें 50% रिजर्व कैटेगरी के लोग होने चाहिए, बने कितने? 28%। अरे बताओ, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो गृह मंत्री का बेटा वो धर्म बचाने वैशाली कब आ रहा है? जिस दिन वो धर्म बचाने दंगा में आएगा तब हम समझेंगे धर्म खतरे में है, वरना हम कहके जा रहे हैं आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार खतरे में है। धर्म उनके पहले भी था, उनके बाद में रहेगा, लेकिन धर्म के नाम पर हमने अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख दिया। 1 रुपया घर में बचा और कोई शिक्षा की कीमत जाना, जगह जमीन गिरवी रख करके अपने बेटा बेटी को लोगों ने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाते तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर कोई एक चीज बचानी थी तो शिक्षा बचानी थी। तो भाई, जब घर से निकलने नहीं दोगे, अपने घर के बेटी बेटियों को पढ़ाओगे नहीं और उनसे शिकायत करोगे कि धर्म में क्यों? अगर इस दुनिया में कोई भी अगर भगवान होगा, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, किसी नंगे को बदन का कपड़ा दिला देना, अगर कोई भगवान होगा तो किसी दान दक्षिणा की बजाय रोटी कपड़ा मकान देने पर सबसे ज्यादा खुश होगा। इसीलिए आपको इस पाखंड से बचने की जरूरत है। पुरुषों की क्रांति 4 दीवारी के बाहर दम तोड़ देती है। महिलाएं जब किसी बेचारिकी से लैस होती हैं तो दूसरे घर के चूल्हे पर जाकर बैठकर दूसरी बहन से कहती हैं कि अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो जरूर चलना, क्योंकि वहां अंधविश्वास पाखंड और शिक्षा रोजगार वाली बात की गई है। अगली बार अगर कोई महिला वहां से निकल करके आए तो वो 2 घरों को बदल देती है। हमको जातियों में बांट दिया गया है, और हाजीपुर और वैशाली में खड़ा होकर एक सवाल पूछता हूं, बताओ इस देश के लोगों और बिहार के लोगों, क्या आज तक कभी कोई साबित कर पाया कि कर्पूरी ठाकुर केवल नाई जाति के नेता थे? किसी की हिम्मत है ये कहने की? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया वो अपनी जाति, उनकी जाति के लोग तो 1% भी नहीं है, उन्होंने जो काम किया इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों के लिए सीना तान करके कहने का काम किया कि हमारा नेता कोई होना चाहिए तो वो कर्पूरी ठाकुर या बीपी मंडल जैसा नेता होना चाहिए, जिन्होंने पूरे समाज को बराबरी का काम किया। एक एक आदमी को गांव गांव जाने की जरूरत है साथियों, और अपनी जाति बिरादरी वाले के पास मत जाइएगा, जिसको आपके समाज में लोग अपनी जाति बिरादरी से नीचे मानते हैं, एक शाम का खाना उसके घर पर खाना शुरू कर दीजिए, और तब उसको बैठ के समझाइएगा कि कैसे संविधान खतरे में है। देखिए, तब वो मानेगा। हम अपनी जाति बिरादरी के लोगों को जुटा करके सोचते हैं कि संविधान बचा लेंगे। जिस दिन जाति जनगणना हुआ, हिंदुत्व का गुब्बारा उसी दिन से फूट गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना का विरोध कैसे करें। पुरखे लायक थे तो यहां तक कारवां पहुंचा दिए, अब हम अगर नालायकी करेंगे तो ये बताइए आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद करेंगी। इसीलिए कि मंच पर खड़े होकर बिरसा फुले अंबेडकर का नाम लेते रहे और तुम्हारे सामने इस देश का संविधान तबाह होता रहा, पूरा देश निजी हाथों में बेच दिया गया और थोड़े से लोगों ने पूरे देश को अंधविश्वासी और पाखंडी बना लिया, और तुम केवल जय भीम जय मंडल करते रहे, तुमने रोका क्यों नहीं? बताइए हमारे पास क्या जवाब होगा। और एक बात और, बिहार के लोगों जरा मेरी बात को सोचिएगा घर जाकर, जो जगदेव बाबू की जाति वाले लोग हैं उनके लोग आज सबसे ज्यादा किसके वोट दे रहे हैं?
बिहार में रोज हर महीने 5 वैकेंसी आ रही है कि 75,000 शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, 1.5 लाख पुलिस भर्ती हो रहे हैं और लगातार लाखों लोगों को नौकरी दी जा रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश वालों ने एक मठाधीश को मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो कह रहा है 50 साल के ऊपर जितने पुलिस वाले हैं अब सबको रिटायर किया जाएगा और उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ये अंतर है उत्तर प्रदेश और बिहार में। हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या मथुरा काशी तीनों है भाई, और क्या चाहिए उनको। अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आपको लगता है धर्म आपके घर का मसला है? नहीं भाई, पिछले 30 साल में जब से बहुजनों ने अपने हाथ में सत्ता लेनी शुरू की तब से धर्म के नाम पर इन दंगाइयों ने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना शुरू कर दिया और आपके बच्चों को सिखाते चले गए कि धर्म खतरे में है। 80% हिंदुओं एक हो जाओ, ये 20% मुसलमानों से तुमको खतरा है। आप भी अपने गांव में हिंदू बन गए और वो दंगा कराते कराते पूरे देश में राज कर रहे हैं और पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। बिहार ने तो जाति जनगणना करा दी ना, 63% ओबीसी लोग, लगभग 20% दलित लोग, तो कितना हो गया 83%। और अगर उसमें पसमांदा मुसलमान को जोड़ लेंगे तो 90% हो गया कि नहीं। बिहार में आधा खेला उस दिन होगा जब इस जाति जनगणना के आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, तब पता चलेगा जिनकी आबादी 3.5% है उनकी पास नौकरी 97% है, जिनकी आबादी 2.5% है उनके पास जमीन 50% है। भैया तो देश किसका है? आएंगे फिर वोट मांगने और बहुत कम वक्त बचा है, वो भड़काएंगे आपको, वो भड़काएंगे कि बिहार में जो सामाजिक न्याय हुआ वो केवल एक जाति के लोगों का हो गया। आज अगर कोई भी बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार में से होते, आज अगर जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कपूरी ठाकुर, तमाम लोगों में से कोई आज अगर जिंदा होता तो सबसे पहले पूरे देश के बहुजनों को एकजुट होकर के कहता कि जो भारत के संविधान को बदलने की बात करता है पूरे देश में ऐसा आंदोलन खड़ा करो कि 2024 में उनको एक सीट ना आए, तब जाकर के हम अंबेडकर फूले पेरियार की बात करें। आज जिस जगह पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में एक वैचारिक विमर्श की तरह रखा गया कि हम महिषासुर को याद करेंगे। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, हो सकता है आप जो सोच के मुझे बुलाए हो मैं उसके इतर कुछ बोलूं, लेकिन सोचना पड़ेगा। अगर धर्म के मिथकों में आप जाएंगे और एक मिथक को अपना मानेंगे और उसे सच मानेंगे तो अपने आप उसका दूसरा मिथक भी सच साबित हो जाएगा कि नहीं। 8 हाथ की कोई महिला होती है कि नहीं, ये आप भी सच साबित कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरे को अपना मना रहे हैं। इस पर विचार करिएगा, हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो। इससे स्थापित कौन होगा? जिसके हाथ में ताकत होती है उसका झूठ भी सच साबित हो जाता है और जिसके हाथ में ताकत नहीं है उसका सच भी ऐसे ही गुलामी के इतिहास में तब्दील हो जाता है। और आप उसे साबित करने की कोशिश करते रह जाइए, जब तक आप सच झूठ को सच साबित करेंगे तब तक झूठ पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुका होगा। तथागत बुद्ध के पूरे इतिहास में, और मैं बुद्ध की जमीन पर खड़ा हूं जहां कहा गया कि तथागत बुद्ध 3 बार आए और अंतिम वक्त में भी उनका अंतिम व्याख्यान भी यहां हुआ, और जिस तथागत बुद्ध ने यह कहा कि मैं न ईश्वर को मानता हूं न आत्मा को मानता हूं, सच बताइए हम उसी तथागत बुद्ध की पूजा करने लगे कि नहीं। तो यह पुजारी और भक्त होना विरासत में मिला, हम बस भगवान चेंज करना चाहते हैं। इस पर जरा विचार करिएगा। देखिए, ताली बजवा करके लंबा लंबा भाषण दे करके चले जाऊं ये मेरे लिए आसान है, मेरा काम ही प्रोफेसरी का है, मुझे पता है
कि कैसे यहां पर महफिल लूट करके चले जाएं, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका फायदा, इस आयोजन का फायदा तब होगा जब यहां से वापस लौट के आप फिर से विचार करेंगे, सोचेंगे, वरना ऐसे कार्यक्रम पहले भी बहुत हुए, बाद में भी बहुत होंगे। खर्चा होता है इस कार्यक्रम को करने में, आयोजन समिति के लोगों से पूछिए। एक रुपया किसी वैचारिक कार्यक्रम में किसी से चंदा मांगना हो और कहीं देवी का जागरण कराना हो, ऑर्केस्ट्रा कराना हो, दोनों में से आसान कार्यक्रम कौन सा है? ये तो आप भी जानते हैं। यहां तो भाई फिर भी बहुत जागरूक दुनिया है, बहुत जागरूक लोग हैं, इतनी तादाद में महिलाएं और माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इतने तादाद में वैचारिक लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ तो यहां से अब खत्म होगा कार्यक्रम, तो अब क्या लेकर जाएंगे? मेरी चिंता यह है। अभी हमारे पहले के वक्ता जितना बोले होंगे और यहां जो लोग बैठे हैं, एक बात और समझिए, जो जागरूक है वो यहां बैठा है, जो जागरूक है वो यहां बैठा है, नहीं तो 5 घंटे कोई किसी को सुनने के लिए नहीं बैठेगा। 5 घंटे में जाता कहीं चौराहे पर बैठ करके राजनीति बतियाता, इस बार तो ये होने वाला है, वो होने वाला है, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाता, अगर उनको भारत के प्रधानमंत्री का दीवाना अगर कोई है तो वहां बैठकर गप हाँकता कि देश के प्रधानमंत्री एक बार गए, एक मिसाइल छोड़ दी गई थी, उसको कहे नहीं वापस कर लो, मिसाइल वापस हो गई, चौराहे पर बैठ के गप होता, आसान काम है ना ये सब, या झूठ की कथा बोली जाती, ये आसान काम है। और इसके बाद मुश्किल काम क्या है? कुछ गंभीर बीमारी का इलाज कराना। बीमार को बीमारी का एहसास न कराइए तो वो खुश रहेगा, और डॉक्टर के पास चला जाए और उसको डॉक्टर बता दे कि तुम्हारे पास ये बीमारी है तो वो उसको परेशानी होगी। इसलिए मैं इस अपना जो आधा घंटा है इसमें मैं कुछ कुछ बात आपको करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब जागरूक लोग हैं। मैं आपको ही ये बताऊं कि तथागत बुद्ध ने क्या लिखा, बाबा साहब ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया। अरे भाई आप बिहार के लोग हैं, आप जागरूक लोग हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा आप जानते हो, इस बात में समय क्यों खराब किया जाए। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आकर एक बात सोचता हूं कि बड़ा सीना फैलाकर हम कहते हैं, और जब बिहार आता हूं तो हिम्मत भी बढ़ती है। इस तरह के कार्यक्रमों में आकर हम क्या याद करते हैं कि तथागत बुद्ध के वंशज हैं हम, सम्राट अशोक के वंशज हैं हम, कबीर रैदास पलटू दादू भीखा के वंशज हैं हम, फूले अंबेडकर पेरियार के वंशज हैं, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं। तो भाई उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज आप खड़े होकर के इस तरह का वैचारिक कार्यक्रम कर ले रहे हैं, और मैं जानता हूं कि उन्हीं का बलिदान है कि किसी मनुवादी की हिम्मत नहीं है। वो बाबा बसावन भुइया के साथ तो अत्याचार अन्याय धोखे से कर लिया, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कार्यक्रम को कोई छेड़खानी भी कर सके, कोई यहां पर आने की ताकत नहीं रहता। तो ये तो आप डंके की चोट पर कर रहे हैं ना भाई, और आसपास उनके भी लोग होंगे, उनको भी पता होगा कि वो अभी 9 दिन का त्योहार मनाए और तब तक इसी बिहार में कोई महिषासुर को याद कर रहा है। कोई और समय होता तो ये कार्यक्रम हो पाता क्या? सच सच बताइए, हो पाता क्या? मैं उस बहस में जा ही नहीं रहा कि क्या सच है क्या नहीं है, मैं उस इतिहास को केवल इसलिए याद कर रहा हूं, पुरखे लायक थे तो यहां तक कारवां पहुंचा दिए, अब हम अगर नालायकी करेंगे तो ये बताइए आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद करेंगी। इसीलिए कि मंच पर खड़े होकर बिरसा फूले अंबेडकर का नाम लेते रहे और तुम्हारे सामने इस देश का संविधान तबाह होता रहा, पूरा देश निजी हाथों में बेच दिया गया और थोड़े से लोगों ने पूरे देश को अंधविश्वासी और पाखंडी बना लिया, और तुम केवल जय भीम जय मंडल करते रहे, तुमने रोका क्यों नहीं? बताइए हमारे पास क्या जवाब होगा? अगर हम इस मंच का या इस तरह के कार्यक्रमों का इस्तेमाल किसी जन आंदोलन को खड़ा करने में नहीं कर पाए तो माफ करिए, ये एक एक रुपया चंदा देकर के जितने लोगों ने भी इस माह इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया है, इस कार्यक्रम के आयोजित करने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा अगर इसके बाद कोई आंदोलन खड़ा ना हो पाए। भाई यहां से लौट करके आप जाएंगे, आप जागरूक लोगों में फिर से कह रहा हूं, इस तरह के कार्यक्रमों की एक सीमा होती है कि जो पहले से जागरूक है उन्हीं को हम बार बार वही बात दोहराते रहते हैं, यही करते हैं ना। और ये 5 घंटे से जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी ये बात समझ रहे होंगे कि 5 घंटे से यहां के वक्ताओं ने क्या किया, हम भी वही करेंगे। अच्छा भाई मेरे लिए आसान काम क्या है?
इतना पैसा आपने फूल माला पर खर्च किया, मैं पहली बार वैशाली आया, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत दिया, तो मैं भी बाबाई में आपकी खूब तारीफ करके जाऊं कि अगली बार और बुलाइएगा, और बड़े कार्यक्रम में आएंगे और खूब गदगद होकर के चले जाएं। लेकिन मैं आयोजकों की आलोचना कर रहा हूं, जितना पैसा आपने माला पर खर्च किया है, इतना पैसा अगले कार्यक्रम में माला पर मत खर्च करिएगा, पतली पतली किताब खरीद करके ले आइएगा और लोगों में बंटवाइएगा। ये फूल माला सूख जाएगा, किताब रहेगी तो किसी घर में विचारों की रोशनी जगाएगी। इसलिए अगली बार इस तरह के कर्मकांड को आप भी बंद करिए, तब ना मजा आएगा। हमें माला पहनने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैशाली से न विधानसभा लड़ने का मन है, न कोई लोकसभा लड़ने का मन है। इसलिए मैं नाराज भी थोड़ा कर दूंगा तो मेरा कोई वोट का नुकसान थोड़ा ही होने वाला। अब भाई लड़ना भी होगा तो हमें उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हो सकता है वहां चुनाव लड़ने जाऊं तो मैं भी कुछ कुछ अच्छी बात करूं, लेकिन यहां तो हमें वैचारिक कार्यक्रम के लिए आए ना भाई। और एक बात और समझिए, वैशाली के लोगों, जितने लोग यहां बैठे हैं उतने लोगों के आसपास थोड़ा तो कलम और किताब पहुंच गई है ना, इसलिए जागरूक तो हो गए। अब आइए, क्या मैं करना चाह रहा हूं, क्या इस बात की इतिहास बताया हमारे साथी ने कि यह बाबा बसावन भुइयां की जगह है, जिन्होंने अपने वक्त के सामंतवादियों को छक्के छुड़ाए और अपने ताकत और दम से उन्होंने लोहा लिया और सामंतवाद को परास्त किया। और उससे बड़ी बात, जिस जमीन पर बसावन भुइयां जैसे लोग हो, जिन्होंने 85-90% वंचित शोषित लोगों को एकजुट किया, दुसाद मल्ला निषाद मुसहर तमाम जातियों के लोगों को एकजुट करके एक मिशन आंदोलन चलाने का काम किया, वैसे जगह पर खड़ा होकर के हम ये उम्मीद करें कि आज जरूरत है उन 90% कमेरा लोगों के एकजुट होने की, तभी इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता होगी। हमको जातियों में बांट दिया गया है। और हाजीपुर और वैशाली में खड़ा होकर एक सवाल पूछता हूं, बताओ इस देश के लोगों और बिहार के लोगों, क्या आज तक कभी कोई साबित कर पाया कि कर्पूरी ठाकुर केवल नाई जाति के नेता थे? किसी की हिम्मत है यह कहने की? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया वो अपनी जाति उनकी जाति के लोग तो 1% भी नहीं है, उन्होंने जो काम किया इस मुल्क के 90% कमेरा लोगों के लिए सीना तान करके कहने का काम किया कि हमारा नेता कोई होना चाहिए तो वो कर्पूरी ठाकुर या बीपी मंडल जैसा नेता होना चाहिए जिन्होंने पूरे समाज को बराबरी का काम किया। बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने, और मैं बिहार के लोगों एक बात और कहना चाहता हूं, अपमान क्या होता है, और इतिहास जब हमने पढ़ा है हो सकता है आप जानते होंगे, इसे बिहार विधानसभा में जब वहां पर बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बन के गए तो एक शख्स, उन्होंने कहा कि गंगा में यातायात होता था, मैं बार बार उस किस्से को कहता हूं, उससे यातायात करने से तेल के टैंकर से तेल रिस गया और उसमें आग लग गई। विधानसभा में खड़े होकर किसी ने कहा कि जब शूद्र अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग लगने जैसा पाप नहीं होगा तो और क्या होगा। इतिहास सुनना वैशाली के लोगों, आपके पुरखों ने कैसी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बसावन भुइयां की लड़ाई रही हो, चाहे शहीद जगदेव बाबू की लड़ाई रही हो, उन लड़ाइयों में अपमान कैसे किया गया उसको समझिए। उन्होंने, बीपी मंडल साहब ने कहा कि ये गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, मगर हमारे यहां मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको मुझे और दबाना है और अपने लोगों को जागरूक करके सत्ता का हुक्मरान बनाना है, तब जाकर के लड़ाई लड़ी। और आज बीपी मंडल साहब की जाति के लोगों को भी लगता है कि हमारा शोषण जाति के नाम पर थोड़े हुआ है, हम तो अहिर हैं, हमारा कौन शोषण कर लेगा। याद करिए अपना इतिहास। में एक गंभीर बात करना चाह रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, तो दिल्ली से वही लोगों ने नारा बनाया था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने अपमान किया था? जो पढ़ लिख लिया, जो सत्ता में बैठा, उसका अपमान उसकी जाति देखकर किया क्या? शहीद जगदेव बाबू को क्यों नहीं याद किया गया बिहार की जमीन पर खड़े होकर? अपनी जाति का आंदोलन कर रहे थे क्या जब सामंतवादियों ने उन्हें अपने साजिश का शिकार बनाया? नहीं,
किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कुर्था में और जहानाबाद में, और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जगदेव बाबू के साथ धोखा करने वाले उनके अपने लोग थे, और सामंतवादियों के सीने पर चढ़ करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो जो लड़ाई थी कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ, उसको आगे बढ़ाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद थे कि सौ में नब्बे शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है, दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि किसी सामंतवादी की हर राजनीतिक हरवाई करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपने लोगों को राजनीतिक ताकत देने के लिए पैदा हुआ हूं। और सामंतवाद का शिकार किया गया, कितना अपमान हुआ, आज हम कहां खड़े। और एक बात और, बिहार के लोगों जरा मेरी बात को सोचिएगा घर जाकर, जो जगदेव बाबू की जाति वाले लोग हैं उनके लोग आज सबसे ज्यादा किसके वोट दे रहे हैं। अब मैं ये बोलने की जरूरत थोड़ी, समझदार को इशारा काफी। मैं इस मंच पर खड़ा होकर किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, अपने जो वैचारिक नेता है उनका तो नाम लूंगा, जिनसे वैचारिक लड़ाई है उनका किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि कोई नेता ऐसा विपक्ष में है ही नहीं जो बाबू जगदेव प्रसाद के सामने नाम लेने लायक भी हो, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप इशारे में समझ जाओ, वैचारिक कार्यक्रम है ना ये। आप बताइए सोच करके जगदेव बाबू के लोग आज किसको वोट दे रहे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए क्या, वो चलाते हैं घर वापसी तो वो तो सांप्रदायिकता करते हैं, आओ 90% लोगों हम सब अपनी वास्तविक घर वापसी करें कि जो नोट और वोट अपने वैचारिक दुश्मन को कभी नहीं देंगे, सब मिल करके अगर एकजुट हो जाए तब ऐसे कार्यक्रमों की कोई सार्थकता होगी, वरना ऐसे कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। अब एक और सवाल का जवाब दीजिए, तथागत बुद्ध ने इसी जमीन पर कहा ना कि भाई वैशाली की जमीन है, 16 महाजनपदों की जमीन है, इस 16 महाजनपदों में जो लोकतंत्र और गणतंत्र था उसका उद्भव यहां हुआ, जिसका ढिढोरा पीटने के लिए एक व्यक्ति, फिर से नाम नहीं ले रहा हूं इशारे में आप समझ जाएंगे, जो बचपन में रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरा देश बेचते सब देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं बेच रहे हैं। समझ जाएंगे आप किसकी बात मैं कर रहा हूं, बचपन में चाय बेचा, अब जब प्रधानमंत्री भी गए पूरा देश बेच रहा है। वैसे लोग जो चुनाव आने के बाद कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं प्रधानमंत्री 5 साल के लिए और बना दो, फिर आएंगे इसी जगह पर, फिर कहेंगे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। और जब जाति जनगणना की बात हुई, और बिहार के लोगों आप उस राज्य के हो इसलिए मैं आपको भी क्रांतिकारी सलाम और बधाई देता हूं कि 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य ने जाति जनगणना करा करके उसका आंकड़ा सार्वजनिक किया है। और जिस दिन जाति जनगणना हुआ हिंदुत्व का गुब्बारा उसी दिन से फूट गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना का विरोध कैसे करें। सोचिए ना भाई, आप बिहार में रहोगे तो आपकी पार्टी बिहार में जाति जनगणना का समर्थन करेगी, और लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंच जाओगे तो विरोध करेगी। अरे भाई ये कौन सी राजनीति है, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पता है कौन सी राजनीति है, क्योंकि बिहार में जब वोट मांगने आएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि जाति जनगणना का विरोध कर दे तो बिहार के किसी गांव में अपना झंडा लगा करके गांव में घुस नहीं सकते। बिहार सामाजिक रूप से इतना जागरूक है मैं मानता हूं। और क्या होता है राज्य का अर्थ बिहार वालों, अगर आपको अपने राज्य में बहुत शिकायत होगी, हमें भी होती होगी, पिछले 30 साल में तो बहुजनों का शासन है ना, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे गलत हो गए होंगे, लेकिन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो एक बात सोच कर बताइएगा, दोनों में आपके लोग रहे, बिहार में आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा वैसा नहीं हुआ, बहुत पहले एक बार हुआ करता था, पिछले 30 सालों में ऐसी कोई सांप्रदायिकता की आग नहीं लगी है। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएं कि राम राज्य कैसे आता है, जिसके कांवर धोने जाने वालों पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फूल की बारिश करता है, और शिक्षा और रोजगार मांगने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसा उत्तर प्रदेश का शासन बिहार के सामने एक चुनौती है। आप तो बच गए, हमारे बिहार में आज देखिए मैं जब यहां खड़ा हूं, एक दिन पहले की एक खबर आई है, मैं इशारे में सब बात बताऊंगा, संविधान कैसे खतरे में और इसे बचाना कैसे। बिहार में सरकार पिछली बार चुनी गई तो नारा दिया गया था,
पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और लड़ाई, सुनवाई, इन सब की चीज का नारा दिया गया था ना। अब सरकार मान लो किसी भी तरह से बन गई तो अब बिहार में रोज हर महीने 5 वैकेंसी आ रही है कि 75,000 शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, 1.5 लाख पुलिस भर्ती हो रहे हैं और लगातार लाखों लोगों को नौकरी दी जा रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश वालों ने एक मठाधीश को मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो कह रहा 50 साल के ऊपर जितने पुलिस वाले हैं अब सबको रिटायर किया जाएगा और उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ये अंतर है उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये अंतर है, साफ साफ अंतर बता रहे। हमारे यहां कोई नौकरी नहीं है क्योंकि हमारे यहां अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है भाई, और क्या चाहिए उनको। अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आपको लगता है धर्म आपके घर का मसला है? नहीं भाई, पिछले 30 साल में जब से बहुजनों ने अपने हाथ में सत्ता लेनी शुरू की तब से धर्म के नाम पर इन दंगाइयों ने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना शुरू कर दिया और आपके बच्चों को सिखाते चले गए कि धर्म खतरे में है, 80% हिंदुओं एक हो जाओ, ये 20% मुसलमानों से तुमको खतरा है, आप भी अपने गांव में हिंदू बन गए। और वो दंगा कराते कराते पूरे देश में राज कर रहे हैं और पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। बिहार के लोगों एक बात बताओ, अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के परिवार का कोई आदमी हिंदू धर्म बचाने को नहीं जाता? कोई गया क्या? इस देश के गृह मंत्री को जानते हैं ना आप? गृह मंत्री को जानते हैं ना? बस कहिए हाँ। उसका बेटा कहां है? वो आज तक एक अक्षर बोलने नहीं आता है, बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता है और बीसीसीआई का चेयरमैन बना। बीसीसीआई मतलब जानते हैं, दुनिया में क्रिकेट की सबसे अमीर संस्था है, अरबों रुपया उसके पास है और उसका चेयरमैन कौन बना है? गृह मंत्री का बेटा जो कोई काम नहीं करता। अरे बताओ, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो एक गृह मंत्री का बेटा वो धर्म बचाने वैशाली कब आ रहा है? जिस दिन वो धर्म बचाने दंगा में आएगा तब हम समझेंगे धर्म खतरे में है, वरना हम कह के जा रहे हैं आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार खतरे में है। धर्म उनके पहले भी था, उनके बाद भी रहेगा, लेकिन धर्म के नाम पर हमने अपने बच्चों के भविष्य को गिरवे रख दिया। और इसलिए मैं आपसे एक वादा लेने आया हूं, वादा करो वैशाली के लोगों, बिहार में फिर भी सामाजिक न्याय की जमीन है, फिर भी आपके यहां कुछ लोग आते हैं रोज धर्म के नाम पर, 9 दिन व्रत रह लिया, अब उसके बाद, अरे भाई आप कथा सुनिए, हम तो महात्मा फूले की कथा सुनाते हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने फेसबुक पर यह लिख दिया हमको जेल में डाल दिया, हमने ये बात कह दी हमको जेल में डाल दिया। चलो बिहार में आज की तारीख में नहीं, यही कार्यक्रम अगर उत्तर प्रदेश में करा दीजिए और अगर सारे आयोजकों के घर पर शाम तक बुलडोजर न चल जाए तो कहिए बिहार उत्तर प्रदेश में अंतर है, आप नहीं करा सकते ये कार्यक्रम। आज अंतर किस बात का है? अब एक चीज सोच कर देखिए, इन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम नहीं हो सकता क्योंकि वो जेल में डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा जेल में किसके घरों के लोग हैं? 90% अंडरल ट्रायल के लोग, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जेल में बंद। तो आपको करना क्या चाहिए? चालाकी बरतनी चाहिए। क्या कोई भी चीज कहनी है, मान लीजिए मुझे यह कहना है कि अगर ब्रह्मा के 4 मुंह था तो मुंह में गर्भ, अगर मुंह से बच्चा पैदा होता है तो मुंह में गर्भ कहां ठहरता है? और नीचे लिख दूं गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इसकी आलोचना करने पर आपको जेल में डाले, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री भी ज्योतिबा फूले को याद करते हुए जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन पोस्ट डालते हैं कि इस देश में महात्मा फूले को हम नमन करते हैं। तो फूले अंबेडकर पेरियार ने बीमारी का इतना इलाज कर दिया है कि जब भी कभी आपको फेसबुक पर लिखना हो तो आप फूले अंबेडकर पेरियार की बात लिखिए। और अगर इस देश में आज भी किसी की हिम्मत है तो एक मुकदमा अंबेडकर, फूले और पेरियार के ऊपर कर दिखा दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में बहुजन कहां खड़ा है। आप अपने नाम से क्यों धर्म की आलोचना करते हैं भाई? अच्छा एक बार बताइए, अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं क्या? फूले से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? और नौजवानों को मैं खास कर ये बात कह रहा हूं, आवेश में मत आ जाना, यहां सब लोग अपने होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। जिस दिन मुकदमा होगा उस दिन खोजना कि आपको जमानत दिलाने वाला भी कोई है कि नहीं। सच बात कह रहा हूं, है वो मैं जानता हूं कितना है, अगर होता तो आज भी 2 अप्रैल के भारत बंद में जितना मुकदमा हुआ एक भी वापस करा लियो बिहार वालों, बता दो हमको कहां है।
2 अप्रैल के भारत बंद में मुझे पता है बिहार आता हूं, आज अभी सैकड़ों मुकदमे इसी बिहार में लोगों के ऊपर हैं। आप आंदोलन करते हैं, मुकदमा वापस कराते हैं। इस कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी कार्यक्रम है उन नौजवानों के भविष्य को बचाने का जो मुकदमे पर झेल रहे हैं और जो भ्रमित हैं, कुछ भी लिख देते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। शिक्षित और जागरूक करने का समय है। और आप जागरूकता फैला रहे हैं, आप फैलाएं, कोई बात नहीं, हम तो आपके कार्यक्रम में आ गए ना भाई, आपके वैचारिक की सहमत है आ गए। लेकिन इस मंच से खड़े होकर हम कह रहे हैं, आज अगर कोई भी बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार में से होते, आज अगर जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, तमाम लोगों में से कोई आज अगर जिंदा होता, तो सबसे पहले पूरे देश के बहुजनों को एकजुट होकर के कहता कि जो भारत के संविधान को बदलने की बात करता है, पूरे देश में ऐसा आंदोलन खड़ा करो कि 2024 में उनको एक सीट ना आए, तब जाकर के हम अंबेडकर फूले पेरियार की बात करें। अगर 2024 में वो जीत गए ना, मैं दावे से कहता हूं कि इस बार अगर 24 में संविधान बदलने वाले जीते, तो आइंदा आप ये कार्यक्रम करके दिखा दीजिएगा, मैं तब मानूंगा कि मैं गलत था और आप सही थे। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, क्या आपको नहीं पता? पूरे देश में शिक्षा को बेच दिया गया है निजी हाथों में। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये वैशाली हाजीपुर होते हुए कोई बच्चा कोई घर में थोड़ा सा भी अगर समझदार निकले, तो हम जैसे लोग जानते हैं, एक रुपया घर में बचा और कोई शिक्षा की कीमत जाना, जगह जमीन गिरवी रख करके अपने बेटा बेटी को लोगों ने पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर कोई एक चीज बचानी थी तो शिक्षा बचानी थी। बताओ आप, उत्तर भारत के जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें से कितने ऐसे स्कूल हैं कि जहां मास्टर जितने होने चाहिए उतने मास्टर हैं? वहां पढ़ाई होती है क्या? जिसके जेब में पैसा है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, और जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में केवल मिड डे मील का भोजन लेने जा रहे। और आज 12वीं पास होने के बाद जब कंपटीशन होगा तो किसके बच्चे डीएमएसपी बनेंगे? क्योंकि हमारे वाले घर के बच्चे तो 9 दिन व्रत रहे थे पहले, उनको यह पता हो गया था कि 9 दिन व्रत रहना है। उसके बाद अभी छठ भी आने वाला है, अभी उसके कार्यक्रम लगे हुए हैं पूरा कंटिन्यू। 12 महीने के कैलेंडर में 24 कार्यक्रम लगे हुए हैं जो इस देश को अंधविश्वास और पाखंड में फैलाने जा रहे हैं। तो आप भी घर में बेटा बेटी अगर कहेगा कि मम्मी पापा एगो कलम खरीदनी है, किताब खरीदनी है, तो आप कहेंगे ना पैसा नहीं है। और अगर कोई चंदा मांगने आ जाएगा कि हम मूर्ति बैठा रहे हैं, आप उसको 10 रुपया उधार मांग के दे देंगे कि कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाए। बताइए मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल खुलवाए? और जिसका नाम मैं ले रहा हूं आरएसएस, आरएसएस देश में 6 लाख से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर चलाता है। बताइए 6 स्कूल जो आप चलाते हो, यही अंबेडकर फूले पेरियार का सपनों का भारत? कितने स्कूल आपने चलाए? कितना फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को? और अगर शिक्षा नहीं दिए थे तो फिर किस बात का? बच्चा अगर शिक्षित नहीं होगा, और ऐसे कार्यक्रमों में औसत आयु निकाल लीजिए, 50 साल से ऊपर के सबसे ज्यादा लोग यहां बैठे हुए, और नौजवान आपके आपके घर का नौजवान कहां है? जितना पुरुष आया है वो अपनी महिला को पत्नी को भी नहीं लेके आया है, और क्रांति करने चाह रहे हैं। आज बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, और घर गए तो पता चला व्रत है, उसमें त्योहार में फल कहने ले आए, वहां सपनों का भारत बंद हो जाता है। ईमानदारी तो हमने अपनी नहीं दिखाई, और हम शिकायत अपने नेताओं से करते हैं, बुद्धिजीवियों से करते हैं, घर से शुरुआत करनी होगी। इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया था, आपके बच्चे शिक्षित नहीं है तो आपके बच्चों को कैसे पता होगा भाई कि संविधान कैसे खतरे में? वैशाली के गांव में आप जाएंगे और किसी गांव वाले को कम पढ़े लिखे को समझाएंगे कि संविधान खतरे में है, उसके बच्चों को पता ही नहीं संविधान क्या होता है? क्योंकि दिन भर अगर कमाए तब शाम को चूल्हा जला, वहां तो शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई। वहां के लोग कर्मकांड अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे तो किसमें फंसेंगे? और जो कर्मकांड में फंसता है हम उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर मान लीजिए यहीं कोई आ जाए और कोई जय भीम बोल रहा है हाथ में कलावा बांधे हुए, तो तुरंत 4 लोग आ जाएंगे, अरे ये ओरिजिनल अंबेडकर वादी नहीं है, कैंची लाओ इसका कलावा काटो, तुम यहीं काटो। अरे भाई इतना जबरदस्ती करोगे तो अगली बार वो आपके कार्यक्रम में आना ही बंद कर देगा, क्योंकि हजारों साल की मानसिक गुलामी से कलावा यहां पहुंचा था। तो आप कम से कम 10 दिन तो इस पे समय दो। कलावा बांधा हुआ, जनेऊ पहना हुआ, टीका लगाया हुआ कोई भी व्यक्ति
आपके कार्यक्रम में आए तो उसको मंच पर बिठाओ और बिठा के टॉनिक दो, फूले की टॉनिक दो, अंबेडकर की टॉनिक दो, पेरियार की टॉनिक दो। अपने आप जिस दिन कलावा काटेगा उस दिन बदलाव आएगा। आप कैंची लेकर मत घूमिए, आप मजाक उड़ाते हैं। और संघ और आरएसएस का कार्यकर्ता, उसको पता होता है कि ये हमको वोट नहीं देता है, फिर भी आपके घर जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होता है, भाई साहब नमस्कार कैसे हैं, कुछ नहीं बस पानी पीने आपके घर आए थे। वो दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानता और हम अपनों को दुश्मन बनाए बैठे हैं और फिर मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन रहा। कैसे बनेगा भाई, हम तो जातियों में बट गए। हाजीपुर के लोगों बताओ, रामविलास पासवान को याद करना चाहता हूं, उनकी तमाम चीजों से असहमत भी हूं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी वो नारा क्या था, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, रामविलास जी का एक नारा था। और एक भाषण मुझे अभी मिला, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं बताओ हिंदू धर्म क्या है, किस किताब में लिखा है हिंदू के बारे में, किस किताब में लिखा है? अरे ये धर्म के नाम पर केवल आप इसलिए हमको लड़ाते हो कि हमारे बच्चे शिक्षा और रोजगार न मान ले। बाद में वो रामविलास जी कहीं और चले गए। भाई जो जितना मेहनत हमारे समाज के लिए किया उतना सम्मान उसको दो, जहां वो गलत होगा उसकी आलोचना करेंगे। याद कर लेते हैं उनकी विरासत में कोई हनुमान बन गया तो कोई सुग्रीव बन गया। ये कौन सी विरासत है भाई, पूरा का पूरा पार्टी खत्म कर लिया फिर भी वहीं पर। एक किस्सा सुनाए, दो चार मिनट है अपने बात कर। हमसे ज्यादा विद्वान लोग तो यहां पहले से हैं, इसलिए मैं कोई अहंकार में नहीं हूं कि मैं कोई नई बात कहने आया हूं। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आप जमीन पर लड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा बड़ा काम आप कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा फोटो नहीं दिखाया, उनकी ज्यादा दिखा दिया इसलिए चंदा नहीं देंगे। ये मंच लगाते हैं ना, कड़वी बातें और बोलूं, दवाई तो कड़वी ही होती है ना। अभी दो लोगों का भाषण दिलवाइए, तीन लोगों को मत दिलवाइए, तीनों नाराज होकर के कहेंगे बड़ा खराब कार्यक्रम था, पता नहीं कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और उन्हीं को भाषण दिलवा दीजिए, पूरे इलाके में घूमते कहेंगे शानदार कार्यक्रम था, बहुत क्रांति वहां से निकली है। हम तो यहां से शुरू हो गए यही खत्म हो जा रहे हैं। दो गो माला हमको कम पहनाया गया तो हमको वहीं से लगा कि अब अंबेडकर के सपनों पर यह संगठन नहीं चल रहा है, वो दूसरा संगठन बना लेगा। ये कड़वी बात है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जागरूक करना है मेरे भाइयों बहनों। हम जानते हैं कि दिल्ली में जो लोग चुन करके गए ना, वो लोग हमारे बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर चुके हैं। जितनी माताएं बहने हैं, आप उनसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा धर्म के गुलामी में ये बैठी हुई हैं, तो भाई जब घर से निकलने नहीं दोगे, अपने घर के बेटे बेटियों को पढ़ाओगे नहीं और उनसे शिकायत करोगे कि धर्म में क्यों, जिसके घर में रोटी नहीं चलती उसको शिक्षा मिले नहीं, तो वो अगर कोई बीमार है कोई परेशान है तो किसी मंदिर में जाकर के वो कहता है कि हमको थोड़ा सहारा मिल जाए, सहारा मिल गया न मिला तब भी उसको डर तो बना हुआ है। तब एक ज्योतिबा फुले का किस्सा सुनाता हूं, ऐसे किस्से गांव गांव सुनाइएगा। ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा है तृतीय रत्न, और महिलाओं और माताओं बहनों को ज्यादा संबोधित करके कह रहा हूं। एक घर में ऐसे ही परेशान लोग, तो वो पति पति को पत्नी बोली कि वो जो आते हैं जो धरती पर उनके अवतार हैं, समझ रहे हैं ना, घर में कोई परेशान हो, कोई जिंदा हो, कोई पैदा हो तो भी उसी को खिलाइए, कोई मर जाए तो भी उसी को खिलाइए, कहीं और अनाज पैदा हुआ तो उसी को खिलाइए, कोई ना आपके घर में खाना हो तो उधार मांगकर खिलाइए। और वो सारा भोजन खा के जाते आते कहेंगे कि कुछ सीधा हो तो बांध के दे दीजिए, समझ रहे हैं ना। वही के पास गए, ज्योतिबा फूले लिख रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं पत्नी ने पति को बोला कि जरा उनको पत्रा उतरा दिखाते कि बड़ा संकट है जीवन में। वो जाके पत्रा दिखाए, पति बोला, पत्नी बैठी हुई थी, कि मालिक जरा देखें जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो वो आदमी देख करके बोला कि जजमान तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है, शनि ठीक जगह पर नहीं, चंद्रमा पर अभी आन गया है और हमारे यहां पहले से बैठकर पत्रा पर मंगल ग्रह को पता ही नहीं था कि उसके नाम पर धरती पर शादी टूट जाती है और फिर भी हमारे यहां ग्रह दशा सब देख रहे थे। अब भाई समझ जा रहे हैं सारे में, तो शनि ठीक जगह पे नहीं है। उसने कहा कि कैसे ठीक जगह पे आएगा, तो उन्होंने कहा कि हवन कराना होगा। कहा कितना खर्चा आएगा, तो मान लीजिए कहा 10,000 रुपये आएगा। तो वो आदमी कहा कि नहीं है, नहीं इतना पैसा। पत्नी पीछे से बोली, अरे उधार मांग के करा लेंगे, आप मना क्यों करते हैं, कम से कम ग्रहवा तो ठीक जगह पे आ जाएगा। वो आदमी कहा नहीं यार हुजूर, पहले उधार बहुत है, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे।
सामने से वो आदमी बोला, चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे देते हैं, तुम 5,000 दे देना, हवन करा देंगे, तुम्हारा शनि ठीक जगह पे आ जाएगा। उसके बाद भी वो आदमी कहा, नहीं साहब इतना भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा 1,000 रुपया दे दो, हम छोटी वाली हवन करा देते हैं। उसने कहा, नहीं हुजूर 1,000 भी नहीं है। जाते आते वो आदमी ने बोला कि 100 रुपया दे दो, एक मंत्र दे देता हूं, इसका जाप करते रहना, कष्ट दूर हो जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर कहा कि हजूर मेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कौन लिख रहा है? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले लिख रहा है। सारा माल किसका है? नोटबंदी हुई थी पता है ना, नोटबंदी हुई तो पुरनका नोट कहां ले गए? सब लोग बैंक में। जिसके पास अपना कमाई का धन था वो बैंक ले गया, और जिसके पास ऐसे बचा हुआ था वो एक आदमी ऐसे ही चालाकी में गया और धड़ाधड़ वो पुरनकी नोट मंदिर में चढ़ाने लगा कि बैंकवा में तो जमा नहीं कर सकते, भगवान को खुश कर ले। अचानक एक आदमी बीच में आया, रे मूर्ख ये नोट तो बंद हो गई है, तुम मंदिर में क्यों चढ़ा रहा है? वो आदमी बोला, अरे धीरे बोलो, तुमको पता है नोट बंद हो गई, हमको पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े पता है कि नोट बंद हो गई। फिर वो आदमी बीच में जोर से डांटते हुए बोला कि रिमोट ये नोटिया भगवान थोड़े लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई है। अब असली समझ के कि धर्म के नाम पर आपकी पूरी कमाई लूट लिया गया है, इसलिए आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाना है। अगर इस दुनिया में कोई भी अगर भगवान होगा, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, किसी नंगे को बदन पर कपड़ा दिला देना, अगर कोई भगवान होगा तो किसी दान दक्षिणा की बजाय रोटी कपड़ा मकान देने पर सबसे ज्यादा खुश होगा। इसीलिए आपको इस पाखंड से बचने की जरूरत है। हमारा आपका कमाई का माल तो कोई और लूट के लेके जा रहा और हमको पता ही नहीं, इसलिए मैं आपको जागरूक करने आया। और इसलिए केवल दो तरह का खतरा आज इस देश में सबसे ज्यादा है। आपके गांव में यह कार्यक्रम खत्म होगा, मैं फिर से बधाई दे रहा हूं पूरे आयोजन समिति को, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी तब तो यह कार्यक्रम हुआ। ये जो दिलीप साहब है ना, लेने गए थे हमको, रास्ते पर बता रहे हैं 15 दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक एक रुपया जुटाए होंगे तब तो कार्यक्रम किया होगा। इस कार्यक्रम में तो आप जागरूक है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद एक एक आदमी को गांव गांव जाने की जरूरत है साथियों। और अपनी जाति बिरादरी वाले के पास मत जाइएगा, जिसको आपके समाज में लोग अपनी जाति बिरादरी से नीचे मानते हैं, एक शाम का खाना उसके घर पर खाना शुरू कर दीजिए और तब उसको बैठ के समझाइएगा कि कैसे संविधान खतरे में है। देखिए तब वो मानेगा। हम अपनी जाति बिरादरी के लोगों को जुटा करके सोचते हैं कि संविधान बचा लेंगे, नहीं भाई हमारे अंदर खाइयां बट गई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पूरे देश का संविधान ही खतरे में है, संविधान ही खतरे में। और एक समय कहा गया था ना भाई, ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बाद भी क्या होगा? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, लेकिन चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत। रोज वो समझाता था अपने चिड़ियों को, हम लोग वही कर रहे, वही तो कर रहे हो। आप ज्ञानी लोग बैठे हैं भाई, आप जागरूक हैं, हम आपको कौन सी नई बात बता देंगे, लेकिन हम रोज यही गाना गाते रहे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम जाल में फंसना मत। और गाना गाने लगी वो सारी चिड़िया जिनको शिकारी समझा रहा था, और वही वाला गाना गाते गाते उसी दाने के लालच में 5 किलो अनाज 500 रुपया वही दाना डाल दिया गया चुनाव आने के पहले। भाइयों और बहनों, हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। तुम अपने अब्बा के घर से लेके आए थे अनाज? भाई जिस समय इस देश में जगह जमीन गिरवी रख करके लोगों ने अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाई, और आज अपने बेटा बेटी की शिक्षा को गिरवी रख दिया केवल 5 किलो अनाज पर। आएंगे फिर वोट मांगने, और बहुत कम वक्त बचा है, वो भड़काएंगे आपको, वो भड़काएंगे कि बिहार में जो सामाजिक न्याय हुआ वो केवल एक जाति के लोगों का हो गया। तो बताओ जरा इस देश में कितना जो है बिजनेसमैन एक उस जाति का है? बिहार ने तो जाति जनगणना करा दी ना, 63% ओबीसी लोग, लगभग 20% दलित लोग, तो कितना हो गया? 83%। और अगर उसमें पसमांदा मुसलमान को जोड़ लेंगे तो 90% हो गया कि नहीं? बिहार में आधा खेला हुआ है, आधा खेला हुआ है।
आधा खेला उस दिन होगा जब इस जाति जनगणना के आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, तब पता चलेगा जिनकी आबादी 3.5% है उनकी पास नौकरी 97% है, जिनकी आबादी 2.5% है उनके पास जमीन 50% है। भैया तो देश किसका है, यह सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जब यहां से जाइएगा तो आप चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, मैं भरोसा करता हूं कि जो जितनी माताएं बहने हैं, पुरुषों की क्रांति चार दीवारी के बाहर दम तोड़ देती है, महिलाएं जब किसी बेचारिकी से लैस होती हैं तो दूसरे घर के चूल्हे पर जाकर बैठकर दूसरी बहन से कहती हैं कि अगली बार जब बसावन भैया मंदिर के बगल में कोई कार्यक्रम हो तो जरूर चलना, क्योंकि वहां अंधविश्वास पाखंड और शिक्षा रोजगार वाली बात की गई है। अगली बार अगर कोई महिला वहां से निकल करके आए तो वो दो घरों को बदल देती है। पुरुष तो यहां जय भीम करेगा और उधर जाकर वोट उन्हीं को देगा जो संविधान बदलने की बात करते हैं। बताइए, अगर ओबीसी एससी एसटी वोट न दे तो क्या वो संविधान बदलने वाले सरकार बना सकते हैं क्या? इसका मतलब हम ही तो वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं अब बहुत ज्यादा बातें न करके मैंने इशारे में बताया, कल एक आंकड़ा आया है पिछले 5 साल में लगभग 4,500 आईएएस आईपीएस बने हैं डीएमएसपी, और उसमें 50% रिजर्व कैटेगरी के लोग होने चाहिए। बने कितने? 28%। 28% लोग बने, 22% आपका हक छीन लिया गया। अभी बात को कोई गांव में वैशाली में बताएगा तो कोई कोई फर्क पड़ेगा? अरे जिसके घर में बच्चों को शिक्षा नहीं मिले उसको कैसे पता कि संविधान खतरे में? लेकिन शिक्षित और जागरूक लोगों को समझाने की जरूरत है। दूसरा आंकड़ा, इस देश में आज, अब आप लोग तो पता नहीं, मैं तो अंदर गया नहीं, बसावन भैया के नाम पर मंदिर बना दिया और आप कहते हो कि मैं, हम लोग कर्मकांड अंधविश्वास नहीं मानते। मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मैं बहुत सम्मान के साथ अपने पुरखे को याद कर रहा हूं, उन्होंने तो लड़ाई लड़ी ना सामंतवाद के खिलाफ, साजिश के शिकार हुए ना। अगली बार विचार करिएगा, वहां पर कितना अच्छा लगता अगर लिखा होता कि बसावन भुइया विश्वविद्यालय वैशाली हाजीपुर, मुझे लगता वहां हजारों बच्चे पढ़ाई करते, तब जाकर के मैं कहता कि मेरे पुरखे का सम्मान है। तो कब्जा करिए फिर, आप इतने इतने आबादी में रख करके क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए। और बढ़िया पर्चा दिखाया इन्होंने, कहा कि 22 जनवरी को 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बताइए हमारे और आपके पास इसकी काट क्या है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जो होना हो। अब उसका प्रचार हम यहां काहे करें, हम तो इशारे में बता दिए। अब आप कह देंगे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो यहीं से कुछ लोग चले जाएंगे कि प्राण वहां है तो हम यहां क्या कर रहे हैं, वहां चल के प्राण प्रतिष्ठा लेने। इसलिए देखिए, इलाज भी थोड़ा बच बचा के करना। कोई प्राण वाण वहां नहीं है। जिंदा आदमी को दंगे में मारते हो और पत्थर पूजने की बात करते हो, हमें जिंदा आदमी की बात करनी है जो भारत के संविधान ने हमको बराबरी की बात कही है। इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, जो वहां जाना है जाए। हम कहना चाह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ विश्वविद्यालय जाने लगेगी तब इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तो बनाया नहीं, और इस समय इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। बिहार से एक शुरुआत भी हुई है, बिहार में एक सारे विपक्षी दलों के गठबंधन को जोड़ करके एक किया गया कि भाई अपना अपना पार्टी बचाओगे तो पार्टी नहीं बचेगी अगर देश ही नहीं बचेगा, ये देश बचाना है ना भाई। इसलिए एक जमाना तो बिहार का ऐसा था कि कोई वहां गुजरात से रथ लेकर चला था तो उसे समस्तीपुर में रोक दिया गया था, और आपका नेता गांधी मैदान में खड़ा होकर बोलता है कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा बजाने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। जितना एक आदमी आम इंसान की जान की कीमत है उतना ही हमारे लिए प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। और आज हम लोग कहां खड़े हैं भाई, आज ये बताइए हिम्मत है? एगो बाबा बना है भाई, वो अभी 25-26 साल का बच्चा है और बिहार के अपने बड़े बड़े सांसद मंत्री विधायक थाली लेकर के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो पतरा बताता था कि पर्चा बना रहे हम तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं, और उसका अपना भाई जेल में चला गया, जो अपने भाई को जेल में जाने से नहीं बचा पाया उसको हमारे और आपके घर के लोग जाते हैं पर्चा बनवाने। वो कह रहा है कि भाई हम बाबा बन गए, चार्टर प्लेन में घूम रहा है, देखा कि नहीं फोटो आप लोगों ने? जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता ही ना हो
जिस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद किए जाएं, तो ऐसे ही अनपढ़ और कुपढ़ लोग तो बाबा बनकर के आपको पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलेंगे और हमारे लोग जाएंगे। एगो मध्य प्रदेश में और बाबा था, वो एगो बोला कि अगर आपके बेटे का एग्जाम हो, पढ़ाई न किया हो बेटा बेटी, तो बेलपत्री पर शहद लगा करके एक जगह पर लगा देना, आपका बेटा बेटी पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा आठवीं में फेल हो गया। ये देश ऐसा है, इस देश में पुराने लोग जो सम्मानित लोग बैठे हैं, एक समय में कुछ मूर्तियां दूध पीने लगी थी, भूल गई कि याद है ना दूध पी रही थी। अब हम पूछना चाहते हैं कि आजकल प्यास नहीं लग रही क्या? हर बार आपको नया नया जादू दिखाया जा रहा है। और अभी वो भंते साहब है ना, कहाँ गए? वो भंते साहब बैठे हुए हैं, जहां बिहार में जाता हूं वो मिलते हैं और इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, जादू दिखा करके लोगों को समझाना चाहते हैं कि भैया कोई इस तरह का चमत्कार नहीं होता, विज्ञान है, उससे लोगों को आपको धोखा दिया जा रहा है। कितने लोग मान रहे भाई? कोरोना माई का मंदिर हमने सुना कि पहले बिहार में बना था, कोरोना माई का मंदिर बन गया। अब एक और बात कह के अब जाऊंगा कि प्रधानमंत्री इस देश का जो है उसको पता है, उसने टेस्ट कर लिया है कि इस देश में भी मूर्खता कितनी स्तर तक है। वो पहले तो बोला ना, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, याद है? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और उसने दोनों हाथों से उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, पहले रेल बेच दिया, फिर भेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सेल बेच दिया, आपकी सरकारी जमीन बेच दी, सरकारी स्कूल बेच दिया, सरकारी विश्वविद्यालय बेच दिया, और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाने की बात की थी, हवाई जहाज बेच दिया, और वो आदमी नीचे देखा तो उसका हवाई चप्पल भी बेच दिया, और फिर भी उसके भक्त पूछते हैं कहां कुछ बेच रहा है। अरे भाई, वो पहले ही कह दिया था, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल जाएंगे, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा भाई। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, निजीकरण में पूरा देश बेचा जा चुका है, शिक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, तो अंधविश्वास और पाखंड का दुकान नहीं खुलेगी तो किसकी खुलेगी। इसलिए मैं बधाई देता हूं और मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं, आप सब 11 बजे से बैठे हुए हैं, ये जुनून कायम रखिएगा। चलिए यहां से गांव गांव चले, ये आयोजन समिति के लोगों ने हमसे कहा कि एक जमाने में यह अर्जक संघ का बड़ा केंद्र हुआ करता था, वही अर्जक संघ ने पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मनवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, और सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। और यही कह करके वैशाली के लोगों, आप दुनिया में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय हैं, लोकतंत्र यहीं से शुरू हुआ था, हाथ उठाकर वादा करो, जब तक अंबेडकर फूले पेरियार को मानने वाले हैं, 24 में ये संविधान बदलने वालों को कभी देश में आने नहीं देंगे, और पाखंड अंधविश्वास में फंसने नहीं देंगे, और घर घर जाएंगे, 90% लोगों को जोड़ेंगे और सबको एकजुट करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछें कि जब संविधान बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं आंख में आंख डाल करके कहूंगा संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा था। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।